84 महोत्सव में बच्चों ने भी खेला जलवा, गायकों ने भक्ति गीतों से किया सराबोर प्रेजा। प्रयागराज सर्वजन एकता मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम सुबह श्याम कली कॉलेज के प्रांगण मेजा रोड में गणेश वंदना के पश्चात शुभारंभ। मुख्य अतिथि करछना विधानसभा के पूर्व विधायक आनंद कुमार उर्फ कलेक्टर पांडे, भाजपा के वरिष्ठ नेता जयशंकर पांडे अखंड दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को गति दिए। सर्वजन एकता मंच के फाउंडर चेयरमैन हैं और भव्य 84 महोत्सव के आयोजक, आप इस संदर्भ में कुछ बताएं। 84 महोत्सव का आयोजन इसलिए किया जाता है कि मेजा और 84 दोनों को एक करके ऐसा महोत्सव प्रतिवर्ष होना चाहिए जो कि पूरे प्रयागराज में पूरे 84 का डंका बजे। 84 मेजा की धड़कन है और मेजा विधानसभा प्रयागराज में एक नंबर का है, बहुत बड़ा विधानसभा है। मैं सभी भाइयों से यही अपील करूंगा, अपने मेजाओ 84 के लोगों से, इस महोत्सव में जन जन से एक साथ जुड़ करके इस महोत्सव को ऐसा महोत्सव बनाना चाहिए कि जब कभी चर्चा हो कहीं महोत्सव की तो प्रयागराज में 84 महोत्सव एक नंबर में गिना जाए। और मैं साथ में अपने सभी भाइयों से, मित्रजनों से, टीम के लोगों से इतना अथक प्रयास जिन जिन लोगों ने किया है, और मकसद एक ही था कि इस बार का महोत्सव ऐतिहासिक होना चाहिए, और हकीकत में यह रहा कि यह महोत्सव बहुत सफल और स्वच्छ महोत्सव, अच्छा महोत्सव रहा। और साथ में हमारे जितने पत्रकार भाई ने सपोर्ट किया, सारे मीडिया बंधुओं ने सपोर्ट किया, जन जन तक सूचनाएं दी, मैं उसके लिए आभारी रहूंगा सबका। और यह टीम दिन प्रतिदिन क्षेत्र के सभी लोगों को जोड़ने का काम करेगा, मेजा और 84 को एकजुट करने का यह मंच है। सर्वजन एकता मंच का काम ही है कि सेवा करते रहिए जनता के बीच में और अपने लोगों के बीच में सौहार्द बना के रखिए।